और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगातार हमला जारी है। पुलिस स्टेशन के अंदर तीन नेताओं को पीटने का आरोप लगा है। नॉर्थ 24 परगना के खरदा पुलिस स्टेशन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और पिटाई के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया है। विपक्षी नेताओं की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से थाने के प्रांगण के भीतर पुलिस वालों की मौजूदगी उनकी आंखों के सामने टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई की। इतना पीटा कि बेसुध होकर बीजेपी कार्यकर्ता गिर पड़ा, जिसके बाद दो महिलाएं आती हैं और बचाने की बीच बचाव करने की कोशिश करती हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से सियासत का रक्त चरित्र देखने को मिल रहा है, आने वाले विधानसभा चुनाव आसान नहीं रहने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या टीएमसी कार्यकर्ताओं को पुलिस, कानून और प्रशासन का डर भी नहीं है? बिल्कुल। और ये देखिए, इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक व्यक्ति पर हमला हो रहा है वहां पर। हालांकि पुलिस मौजूद है, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी हुई दिखाई दे रही है। लगातार कुछ गुंडे डंडे के सहारे एक व्यक्ति को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसे इतना पीटते हैं कि वो व्यक्ति जमीन पर गिर जाता है। तभी दो महिलाएं आती हैं और उसे बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो लोग उसे मार रहे हैं वो रुकने का नाम नहीं लेते और वहां पर मौजूद पुलिस मुंह मोड़ती हुई दिखाई दे रही है, मूक दर्शक बनी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल पर पुलिस पर भी ये आरोप लगता रहा है कि वो टीएमसी कार्यकर्ताओं को सहयोग करती है, उन्हें समर्थन देती है और तभी किसी भी तरीके की जो कानून व्यवस्था है वहां पर दिखाई नहीं देती। तो टीएमसी जिस तरह से पीछे बीते 5 सालों से टीएमसी जिस तरह से लगातार विरोध करती आ रही है, लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करते आ रही है, तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि किस तरह से पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, थाने के प्रांगण के भीतर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवान खड़े हैं, नीली वर्दी दिखाई दे रही है, पुलिस का जवान खाकी वर्दी में दिखाई दे रहा है। तस्वीरें बेहद डराने वाली है।